एवरीबडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर, और मैं आपको जुरिसप्रूडेंस में ओनरशिप को, आपने देखा कि मैंने आपको ओनरशिप पे पहले मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई ऑस्टिन और सॉमंड की, और उसके बाद मैंने करेक्टरिस्टिक पढ़ाई। आज का जो टॉपिक है ओनरशिप का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के कितने प्रकार होते हैं, वो मैं आज आपको डिस्कस करने आई हूँ। तो मैंने उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट को पढ़ने जा रही हूँ, कॉर्पल एंड इनकॉर्पल ओनरशिप, मूर्त तथा अमूर्त स्वामित्व, सोल ओनरशिप एंड को ओनरशिप, एकल स्वामित्व तथा सह स्वामित्व। थर्ड, ट्रस्ट ओनरशिप एंड बेनिफिशियल ओनरशिप, ट्रस्ट का मतलब होता है न्यास और बेनिफिशियल का मतलब होता है हितग्राही, तो न्यास और हितग्राही स्वामित्व। चौथा, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप, विधिक स्वामित्व तथा सामिक स्वामित्व। पांचवा, वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट ओनरशिप, निहित तथा समाशित स्वामित्व। और कॉन्टिजेंट ओनरशिप को भी 2 पार्ट्स में बांटा गया है, कंडीशन प्रेसिडेंट, कंडीशन सबसीक्वेंट। और छठा जो पार्ट है, एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप, पूर्ण स्वामित्व तथा सीमित स्वामित्व। ये 6 प्रकार ओनरशिप के होते हैं। अभी मैंने आपको ओनरशिप के काइंड्स बताए कि 6 काइंड्स होते हैं, मैं एक एक काइंड को डिस्कस करने जा रही हूँ। कॉर्पल एंड इनकॉर्पल ओनरशिप, मूर्त तथा अमूर्त स्वामित्व। तो सामंड देखिए बता रहे हैं, कॉर्पल और इनकॉर्पल, मूर्त और अमूर्त स्वामित्व को किसने डिस्क्राइब किया है, सामंड ने। सामंड क्या कहते हैं कि फिजिकल थिंग्स पर ओनरशिप को क्या कहते हैं, मूर्त स्वामित्व कहते हैं। फिजिकल चीज़ें क्या हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसे आप अगर सरल भाषा में मूवेबल चीज़ें भी कह सकते हैं, जो चीज़ें इधर से उधर मूव की जा सकती हैं, वो चीज़ें क्या कहलाती हैं, मूर्त स्वामित्व। फॉर एग्जाम्पल के लिए सिक्के, चेयर, टेबल, वॉच, बहुत सारी चीज़ें जो इधर से उधर मूव की जा सकती हैं, वो क्या है, मूर्त स्वामित्व कहलाती हैं। अमूर्त स्वामित्व क्या है, ऐसी चीज़ें हम जिन्हें छू और देख तो नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं और जिन पर हमारे माइंड का कंट्रोल बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था आई पी आर ए मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, बौद्धिक संपदा विधि। जो चीज़ें हम दिमाग से खोजते हैं, बुद्धि से खोजते हैं, उन पर भी हमारा, हम उसके ओनर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आई पी आर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, वे ऑफ ईजमेंट। पेटेंट का मतलब होता है कोई ऐसी दवा जो किसी और ने ना खोजी हो, हम उस चीज़ को खोज लें और उसका पेटेंट करा लें, तो उस पर भी हमारा राइट बना होगा, भले ही वो दवाई हमारे हाथ में हो या ना हो, उसके फार्मूले पर हमारा माइंड का पोजेशन बना हुआ है, वो पोजेशन क्या है, अमूर्त स्वामित्व। कॉपीराइट, एक राइटर पोएम लिख रहा है, स्टोरी लिख रहा है, बुक से लिख रहा है, उसका उस बुक पर क्या होगा, एक्सक्लूसिव राइट होगा, भले ही किताब उसके हाथ में हो या ना हो, फिजिकल चीज़ उसके हाथ में नहीं भी होगी तो भी उनके शब्दों पर, लिखे हुए शब्दों पर उसका कैसा राइट होगा, अमूर्त स्वामित्व होगा। यही क्या कहलाता है, IPR का सब्जेक्ट मैटर कहलाता है। तीसरी चीज़, वे ऑफ ईजमेंट, रास्ते का मार्ग अधिकार। अभी आपको बताया कि एक ईजमेंट एक्ट है, 1882 में आया, एक व्यक्ति यहाँ पर 30 साल से इस रास्ते से आता और जाता है, तो यहाँ पर उसको क्या है, आने और जाने का, वे ऑफ ईजमेंट का राइट दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति उसके रास्ते को बंद करता है तो न्यायालय में शरण ले सकता है, किस राइट पे, ईजमेंट एक्ट में, कि मुझे आने और जाने का सुखाधिकार दिया जाए। तो ये कैसा ओनरशिप है, अमूर्त स्वामित्व, जो हमें क्या कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन हम महसूस कर पा रहे हैं कि ये हमारा राइट है। फॉर एग्जाम्पल का अगर हम इसको देखा जाए कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 10 रुपये का, और मैं इस एग्जाम्पल को इन दोनों वर्ड्स में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी, मूर्त और अमूर्त स्वामित्व। एक पर्सन है, उसकी जेब में 10 रुपये हैं, एक पर्सन है उसकी जेब में 10 रुपये हैं पॉकेट में, उसका कैसा ओनरशिप है, मूर्त स्वामित्व। वो 10 रुपये उसके हाथ में है, छू सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है, लेकिन वो 10 रुपये ए क्या करे, अपने बी को दे दे, क्या कर रहा है, बी को लोन पर दे दे रहा है, तो ऐसा उसका ब्राइट क्या हो गया, ए का ब्राइट क्या हो गया 10 रुपये पे, इनकॉर्पल ओनरशिप, अमूर्त स्वामित्व, क्योंकि उसको उससे अब 10 रुपये लेने हैं, भले ही वो नोट फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन 10 रुपये लेने का राइट बी से उस पर, ए के पास बना हुआ है। अब ओनरशिप क्या है, देखा जाए एक शब्द में, ओनरशिप एक राइट है, एक अधिकार दिलाता है जो हमारी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे हाथ में हो, फिजिकली कंट्रोल में हो या ना हो, उन चीज़ों पर हमारा ओनरशिप एक राइट दिलाता है। दूसरा वर्ड है सोल ओनरशिप, एकल स्वामित्व। सोल ओनरशिप का मतलब होता है कि ओनरशिप क्या है, एक ही पर्सन में वेस्टेड होगी, एक ही व्यक्ति में निहित होती है। अगर कोई ओनरशिप एक ही पर्सन में वेस्टेड होती है, उसे क्या कहते हैं, सोल ओनरशिप। फॉर एग्जांपल के लिए एस की डेथ हो गई
और एस का बेटा है जेड और वो पूरी प्रॉपर्टी जेड के नाम लिख गया है, तो एस का उस प्रॉपर्टी पर कैसा राइट है? सोल ओनरशिप का राइट है, सारा का सारा राइट उसमें वेस्टेड है। अब आगे हम आपको बताएंगे, इसके आगे का हमें आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इसके आगे हम क्या बताएंगे, सोल ओनरशिप के बाद को ओनरशिप वर्ड डिस्क्राइब करेंगे। अभी मैंने आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ओनरशिप में नेक्स्ट बात बताने जा रही हूँ, को ओनरशिप सह स्वामित्व। जब ओनरशिप का राइट दो या दो से अधिक व्यक्तियों में संयुक्त रूप से हो तो सह स्वामित्व कहा जाएगा। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी है उसमें दो लोगों का राइट है, दो भाइयों का, एस और डी, तो दोनों क्या है, को ओनरशिप है। तो ये दोनों को ओनरशिप होने के नाते इनके पास कौन कौन सा राइट है जिसको ये यूज़ कर सकते हैं? पजेशन का राइट है, दोनों के पास कब्जे का राइट है, कंज्यूम दोनों इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, राइट टू डिस्पोज दोनों अपने अपने हिस्से को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के दो ओनर होते हुए भी दोनों का प्रॉपर्टी पर राइट बना हुआ है। जब किसी प्रॉपर्टी पर दो या दो से अधिक लोग होते हैं, अधिक लोगों का राइट होता है, तो उस राइट को क्या कहते हैं, को ओनरशिप कहते हैं। ऐसा अधिकतर तब होता है जब फादर या मदर जिनके तीन या चार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सभी बच्चों के नाम प्रॉपर्टी लिख जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में वो क्या कहलाते हैं, सारे बच्चे को ओनरशिप कहलाते हैं। अब आता है ट्रस्ट ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप, न्यास स्वामित्व तथा हितप्रद स्वामित्व। तो ट्रस्ट और ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप को क्या कहा गया है, ये बेस्ट एग्जांपल है डुप्लीकेट ओनरशिप का, दोहरे स्वामित्व का ये कह सकते हैं कि एक बेस्ट एग्जांपल है। कैसे, कोई व्यक्ति ट्रस्ट बनाता है, किसी प्रॉपर्टी में ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट में दो लोग हैं, एक ट्रस्टी बनाने वाला ट्रस्ट को और एक बेनिफिशरी, तो यहाँ पर दोनों ओनर हैं। कैसे दोनों ओनर हैं, ट्रस्ट जो बना रहा है ट्रस्टी के पास भी कुछ राइट है और बेनिफिशरी होने के नाते उन व्यक्तियों के पास भी राइट है जो उस ट्रस्ट से फ़ायदा उठाते हैं। ट्रस्ट के बारे में अब ज़्यादा जो बातें आपको होंगी ट्रस्ट एक्ट में पढ़ाई जाएंगी, वो आपको बताएगा कि ट्रस्ट जो होता है किसी न किसी ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। कुछ बातें मैं भी बता दूं, सामान्य भी कहते हैं ट्रस्ट किस लिए बनाया जा सकता है कि ट्रस्ट का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट, अधिकारों और हितों का संरक्षण। हम क्या करते हैं, राइट्स को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ट्रस्ट बना सकते हैं, और अलग से एक कॉमन ट्रस्ट भी हो सकता है, एक सिंपल ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है। सिंपल ट्रस्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक हमने ट्रस्ट बनाया है कि हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को एजुकेशन मिले जिनके मदर फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो एक ट्रस्ट है। वहाँ पर कौन से बच्चे बेनिफिशरी होंगे, जिनके मदर फादर की डेथ हो चुकी होगी वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो ट्रस्ट है। यहाँ पर जो ट्रस्ट की हम बात करने जा रहे हैं, हम ऐसे लोगों के लिए ट्रस्ट बनाना चाहते हैं जो जिनके अपने राइट्स को प्रोटेक्ट और इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है। उसका मतलब क्या है कि उनके अधिकारों की सुरक्षा और हितों की सुरक्षा वो खुद नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रस्ट को बनाते हैं। इसके एक्सेप्शन मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कब कब हम ट्रस्ट बनाएंगे। एक्सेप्शन में होता है अनबॉर्न पर्सन, अनबॉर्न पर्सन का मतलब होता है जिसका अभी जन्म ही ना हुआ, तो उसकी देखभाल के लिए भी क्या कर सकते हैं, हम ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हैं ताकि जब वो बच्चा पैदा हो तो उसकी देखभाल उस व्यक्ति के द्वारा हो जो ट्रस्ट को बना रहा है या जिसके नाम ट्रस्ट बनाया गया है। कभी कभी लॉ भी क्या करता है, किसी को अगर किसी के मदर फादर की डेथ हो जाती है तो वो क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के रूप में क्रिएट कर देता है ताकि ट्रस्टी उस बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। दूसरा ट्रस्ट कब बनाया जाएगा, पागल शिशु या अक्षम व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो पागल हैं, अक्षम हैं, इनकैपेबल हैं और जो अपने राइट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या शिशु हैं, तो उनकी लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट का निर्माण कर सकते हैं ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी उनके नाम की गई है उसका कोई भी व्यक्ति मिसयूज़ ना कर पाए। थर्ड चीज़, कॉमन इंटरेस्ट, समान किसी संपत्ति में समान हित रखने वाले अनेक व्यक्ति। जहाँ पर किसी प्रॉपर्टी के कई ओनर हो, ए बी ओनर है, बी बी ओनर है, सी बी ओनर है, डी बी ओनर है, ई बी ओनर है, एफ बी ओनर है, और सब लोग इतने सारे ओनर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 छः ओनर है, अब सबका प्रॉपर्टी में कॉमन इंटरेस्ट है, तो अब इतने सारे लोगों का जब कॉमन इंटरेस्ट है तो क्या बना लिया जाएगा, ट्रस्ट बना लिया जाएगा और सभी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सभी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। चौथी चीज़, किसी संपत्ति में परस्पर विरोधी हित रखने वाले व्यक्ति, किसी प्रॉपर्टी पे कंट्राडिक्टरी इंटरेस्ट रख रहे हैं, और यहाँ पर जब दो व्यक्ति एक ही प्रॉपर्टी पे अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, विरोध का इंटरेस्ट रखे, कंट्राडिक्टरी इंटरेस्ट रखे, जिनका नेचर नहीं मिल रहा है, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रस्ट का निर्माण कर लेते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है विनाश से बचाने के लिए, हम चाहते हैं कि संपत्ति बिके ना, तो हम संपत्ति को बेचना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय ना हो, तो हम उस प्रॉपर्टी को ट्रस्ट के रूप में
क्रिएट कर देते हैं प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए। तो जितने व्यक्ति इस ट्रस्ट में होंगे हर व्यक्ति के लाभ के लिए क्या करेगा, ट्रस्टी काम करेगा। ट्रस्टी अभी आपको मैंने बताया कि प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए भी ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। आगे आपको बता रहे हैं कि ट्रस्ट ओनरशिप की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए ट्रस्ट ओनरशिप की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इक्विटी लॉ से हुई थी और चांसलरी कोर्ट ने इक्विटी के आधार पर ट्रस्ट को रिकग्नाइज किया था कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रस्ट को मान्यता दे रहे हैं और बेनिफिशियरी को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, कहा कि बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम जब दोनों को राइट दे देंगे तो दोनों के राइट का क्या होगा, प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा, चाहे वो ट्रस्टी हो चाहे वो बेनिफिशियरी हो। अब एक नया ओनरशिप, लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप। देखिए लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप को क्या कहते हैं, विधिक स्वामित्व तथा सामयिक स्वामित्व। लीगल, लीगल माने विधिक, तो अगर ओनरशिप किससे ओरिजिन हुई है, कॉमन लॉ से, तो उसे क्या कहेंगे, लीगल ओनरशिप। इंग्लैंड में दो तरीके के लॉज थे, कॉमन लॉ और इक्विटेबल लॉ। तो डायरेक्टली कह रहे हैं कि अगर कॉमन लॉ से अगर ओनरशिप ओरिजिन होता है तो क्या कहलाता है, लीगल ओनरशिप। अगर इक्विटी लॉ से ओनरशिप की उत्पत्ति हुई है तो क्या कहलाता है, इक्विटेबल ओनरशिप, मतलब साम्यविधि के आधार पे अगर स्वामित्व को प्रदान किया गया है उसको तो उसे क्या कहेंगे, इक्विटेबल ओनरशिप या सामयिक स्वामित्व कहेंगे। तो कॉमन लॉ क्या कहता है, कॉमन लॉ कहता है कि इक्विटेबल ओनरशिप को मान्यता नहीं देता है। कॉमन लॉ क्या कह रहा है कि हम सामयिक ओनरशिप को मान्यता नहीं देंगे। सामयिक ओनरशिप या इक्विटी ओनरशिप का मतलब होता है बेस्ड ऑन इक्विटी, समानता के आधार पर किसी को ओनरशिप देना। तो यहाँ पर कॉमन लॉ इक्विटेबल ओनरशिप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, ना ही वो रिकग्नाइज्ड कर रहा है। इक्विटेबल ओनरशिप को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, कौन रिकग्नाइज कर रहा है, चांसलरी न्यारे, वो क्या कर रहा है, इसको पूरी तरीके से मान्यता दे रहा है। अब यहाँ पर अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझना चाहें कि जो ट्रस्टी होता है, जो ट्रस्ट को बनाता है, जो ट्रस्टी होता है वो क्या कहलाता है, लीगल ओनरशिप कहलाता है। वो उसके पास कैसी स्वामित्व है, लीगल ओनरशिप है वो, और जो बेनिफिशियरी है वो इक्विटेबल, समानता के आधार पे वो क्या करता है, ओनरशिप पाता है। फॉर एग्जांपल एक और छोटा सा इसी को समझ लीजिए कि एक ट्रस्ट बनाया गया है, तो जो ट्रस्टी है, जो ट्रस्टी है वो कौन सा ओनरशिप है, लीगल, उसको विधिक रूप से मान्यता प्राप्त है कि वो विधिक रूप से स्वामी समझा जाएगा। और जिनके लिए वो ट्रस्ट का निर्माण कर रहा है उनको क्या होगा, इक्विटी के आधार पे, बेनिफिशियरी लोगों को क्या होगा, इक्विटी के आधार पे इक्विटेबल ओनरशिप माना जाएगा। अब आपको मैं पांचवा ओनरशिप डिफरेंट डिस्क्राइब कर रही हूँ, काइंड्स ऑफ ओनरशिप आप पढ़ रहे हैं। फिफ्थ है वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट ओनरशिप, निहित स्वामित्व तथा समाचित स्वामित्व। देखिए ओनरशिप दो तरीके की हो सकती है, वेस्टेड और कॉन्टिजेंट, दोनों हो सकती है या दोनों में से एक भी हो सकती है। कैसे आपको बताते हैं, अगर ओनरशिप प्राप्त करने संबंधी सभी बातें पूर्ण हो जाती हैं तो स्वामी का हक पहले से ही पूर्ण रहता है। अगर हम ओनरशिप की हमने सारी कंडीशंस पूरी कर दी हैं तो हमारा ओनरशिप का राइट कैसा है, वेस्टेड। वेस्टेड ओनरशिप में का राइट कैसा है हमारा, वेस्टेड। इसका एग्जांपल बता रहे हैं, ए ने विल के द्वारा एक वसीयत लिखी है विल, और उसके द्वारा बी को पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी है, तो बी का प्रॉपर्टी पे राइट कैसा है, वेस्टेड ओनरशिप है, निहित स्वामित्व है, सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, जैसे ही ए की डेथ हुई सारा राइट बी को मिल गया है और बी का राइट क्या हो गया है, वेस्टेड हो गया है। अब यहाँ पर बी वेस्टेड ओनरशिप होने के बाद उस प्रॉपर्टी पे कैसा राइट रखता है, एब्सोल्यूट राइट, पूर्ण अधिकार। इसका मतलब वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, चैरिटी कर सकता है, या आगे विल के द्वारा भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अब कॉन्टिजेंट ओनरशिप क्या है, समाचित स्वामित्व। अगर ओनरशिप प्राप्त करने संबंधी कुछ बातें घटित हो जाए लेकिन कुछ का घटित होना शेष रह जाए, मतलब ओनरशिप को हमें लेना है लेकिन किस पे डिपेंड है, हैपनिंग पे, घटनाओं पे, वो घटनाएं घटित होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, तो ऐसे ओनरशिप को क्या कहते हैं, कॉन्टिजेंट ओनरशिप को कहते हैं। कॉन्टिजेंट ओनरशिप में ओनर का राइट कैसा होता है, कंडीशनल ओनर, वो सशर्त स्वामी कहलाता है। इसका मतलब कुछ कंडीशंस उसे में लगी रहती हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए ए ने विल लिखी कि पूरे लाइफ टाइम मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को कैसा राइट मिलेगा, होल लाइफ प्रॉपर्टी पर वो उसकी स्वामी होगी, यानी प्रॉपर्टी पर जब ए की वाइफ स्वामी होगी बी, तो उसका राइट कैसा होगा, उसका राइट कैसा होगा, उस प्रॉपर्टी पे वेस्टेड राइट होगा। लेकिन उसने विल में ये लिखा है कि वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती है,
किसी को गिफ्ट भी नहीं कर सकती है, सेल भी नहीं कर सकती, केवल होल लाइफ उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है। प्रॉपर्टी का राइट जरूर वेस्टेड है, लेकिन कुछ कंडीशंस उसमें लगी हुई हैं। अब उसने क्या लिखा है कि मेरी डेथ के बाद, मेरी वाइफ की डेथ के बाद, उसकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसको मिले? एस को मिले। प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए? एस को। अगर एस की उस समय जीवित ना रहे तो बी को मिले, अगर बी जीवित ना रहे तो सी को मिले। तो यहाँ सी का प्रॉपर्टी पर कैसा राइट है? कॉन्टिजेंट राइट है। उसका राइट तब पूरा होगा जब एस और बी की डेथ हो जाएगी। तो बी का राइट भी कैसा राइट है? कंटिजेंट राइट है, घटना पे घटित है। किसकी? एस की डेथ के बाद ही बी को राइट मिलेगा और बी की डेथ के बाद सी को राइट मिलेगा। तो इन दोनों का राइट क्या हो रहा है? घटनाओं पे घटित है और इसका भी कॉन्टिजेंट राइट है। इन दोनों, इन सबका राइट कैसे पूरा होगा? वाइफ की डेथ के बाद एस का राइट कैसा हो जाएगा? वेस्टेड हो जाएगा। एस का अब डेथ हो जाएगी तो बी का राइट क्या होगा? वेस्टेड। अभी कैसा है? कॉन्टिजेंट। सी का राइट कैसा है? कंटिजेंट। मतलब घटनाओं पर आधारित है कि जब घटना घटेगी तो हमारा राइट कंप्लीट होगा। उससे पहले हमारा राइट क्या है? हम कंडीशनल ओनर हैं, हमारे पास किसी भी तरीके का राइट नहीं मिल रहा है, क्योंकि घटनाएं घटित होंगी तो ही हमारा राइट आगे बढ़ेगा। इसका मतलब हमें किस पे बेस्ड होना है? कंडीशंस पे बेस्ड होना है। अब आपको नेक्स्ट इसके बारे में बताने जा रहे हैं, आपको नेक्स्ट चीज़ें और भी बताएंगे कि इसको एग्जांपल्स के द्वारा क्लियर करेंगे। कंडीशनल, आपने देखा कि मैंने आपको वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट ओनरशिप बताई, और कंटिजेंट ओनरशिप के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सबसीक्वेंट। पहले इसका मतलब जान ले। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है? पुरोभाव शर्त। इसका मतलब अगर वो शर्त पूरी हो जाए तो अधूरा हक पूरा हो जाता है। और कंडीशन सबसीक्वेंट का मतलब होता है कि अगर वो कंडीशन पूरी हो जाती है तो टाइटल समाप्त हो जाता है। अब आपको दोनों को एग्जाम्पल के द्वारा दोनों चीज़ों को बताएंगे। जैसे एक अपनी वसीयत में लिखे कि मेरी पत्नी अगर रीमैरिज करती है तो संपत्ति से उसका राइट समाप्त हो जाएगा। तो अगर पत्नी रीमैरिज करेगी तो प्रॉपर्टी से पूरा राइट समाप्त, अगर रीमैरिज वो नहीं कर रही है तो पत्नी का कैसा राइट है? भी वेस्टेड राइट है, वेस्टेड ओनरशिप है। लेकिन जो कंडीशन लगा दी गई कि अगर वो रीमैरिज करेगी तो उसका राइट क्या होगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कंडीशन को पूरी करेगी उसका राइट क्या होगा? कंडीशन सबसीक्वेंट हो जाएगा, उसका राइट अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब वेस्टेड ओनरशिप में भी क्या है? एक शर्त लगी हुई है, उसे क्या कहेंगे? कंडीशन सबसीक्वेंट। की जैसे ही हमने पत्नी ने उसने शादी की, उसका राइट जो है वो समाप्त हो गया। जब तक वो शादी नहीं करेगी तब तक क्या होगा? उसका राइट कैसा कहलाएगा? वेस्टेड ओनरशिप कहलाएगा। अब अगर पत्नी शादी कर लेती है तो प्रॉपर्टी पे तो उसका राइट समाप्त हो गया, तो किसको मिलेगी? उसके बेटों को, पुत्र को, सी को। तो अभी पुत्र का राइट कैसा है? कंटिजेंट राइट है, क्योंकि मदर अभी जिंदा है और माँ ने रीमैरिज भी नहीं की है, तो उसका राइट अभी क्या है? कंटिजेंट। लेकिन माँ रीमैरिज जैसे ही कर लेगी, बेटे का राइट कैसा हो जाएगा? वेस्टेड राइट हो जाएगा। बेटे का राइट क्या हो जाएगा? वेस्टेड। इसका मतलब अब अधूरा हक पूरा हो गया, कंडीशन प्रेसिडेंट। कि माँ ने शादी कर ली, बेटे का राइट क्या हो गया? कंडीशन प्रेसिडेंट। जैसे ही शर्त पूरी हुई वैसे ही उसको अधूरा हक पूरा मिल गया। अभी इसका राइट कैसा था? कंटिजेंट, जो बाद में क्या बनकर चल गया? कंडीशन प्रेसिडेंट। तो ये आपने एक एग्जांपल के द्वारा समझा कि कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सबसीक्वेंट में क्या अंतर है। पहले ये याद रखिए, कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब अगर कंडीशन पूरी होगी तो टाइटल कंप्लीट हो जाएगा, और कंडीशन सबसीक्वेंट का मतलब अगर कंडीशन पूरी होगी तो हमारा राइट समाप्त हो जाएगा। अब आगे आपको बताने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप, पूर्ण स्वामित्व तथा सीमित स्वामित्व। एब्सोल्यूट ओनरशिप, एब्सोल्यूट ओनरशिप कब कब मिल सकती है? जब हमें चीज़ों को हम पजेशन, हमारे पजेशन में हो, इंजॉयमेंट कर पाते हों, हम प्रॉपर्टी का डिस्पोजल कर सकते हैं, तो हमारी ओनरशिप कैसी है? एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है, पूर्ण अधिकार होता है। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे भी हमारा कैसा राइट होता है? एब्सोल्यूट ओनरशिप का राइट होता है। लिमिटेड ओनरशिप क्या है? मतलब सीमित उत्तराधिकार कह सकते हैं, कि सीमित हमारा स्वामित्व कब होगा, लिमिटेड ओनरशिप कब होगी? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में पत्नी को केवल सीमित स्वामित्व प्राप्त था, लिमिटेड राइट प्राप्त था। जब पति की डेथ हो जाती थी तो उसको एक लिमिटेड राइट प्राप्त था, वो ओनर तब तक कहलाती थी जब तक वो जिंदा रहती थी। उसकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती थी? उसके वारिसों के पास चली जाती थी। तो वाइफ का उस समय कैसा राइट था? लिमिटेड राइट था। तो आज मैंने आपको काइंड्स ऑफ ओनरशिप बताए, आपने 6 काइंड्स ऑफ ओनरशिप पढ़े।
आप एक एक ओनरशिप को याद रखेंगे अच्छे से। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और आगे कहना चाहती हूँ कि अगर इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन को लिख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बातें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई हैं। थैंक यू।